तो क्या हाल है जनता। तो सबसे बड़ी एक अपडेट देना है मेरे चैनल के ऊपर कि मेरा चैनल पे अब से सोलो का ही वीडियो आएगा, सोलो वर्सेस स्क्वाड, सोलो वर्सेस सोलो या फिर सोलो वर्सेस डुओ, क्योंकि मेरा कोई पार्टिकुलर स्क्वाड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा फ़ोन इतना हाई लेवल का नहीं है, लो एंड डिवाइस है, मैं 25 FPS पर खेलता हूँ, इसलिए मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड का वीडियो कभी कभी डालूंगा, क्योंकि इसके लिए तो सबसे ज़्यादा बड़ी वाला सेट होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम आ गए एंशिएंट टेंपल पर, और एंशिएंट टेंपल पे सोलो पे आपको सबसे पहले उतरना है, नहीं तो गन नहीं मिलेगा। एंड सोलो में एक बंदा आपको मारेगा और एक बंदा आपको ही मारेगा या फिर उसको मार सकता है, तो ऐसे चीकोन टाइप्स फाइट होगा। दैट्स वाई आपको रेडी रहना पड़ेगा विद गन। तो सबसे पहले मैंने दोनों को टपक दिया, और एक बंदा ऊपर ही है क्योंकि वो नीचे नाम नहीं रहा कि उसको डर लग रहा है, दो भी वो उधर टीपी भी ले रहा था, लेकिन मैंने उसको मार दिया क्योंकि वो सोचा शायद मेरा हेड नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को दिख गया था। दैट्स वाई इजी फिनिश। अब मेरे को इस साइड से फुटप्रिंट आ रहा था, दैट्स वाई मैं इस साइड गया, लेकिन ऊपर अभी भी एक बंदा है, जो भी हो इधर से एक बंदा भी घुसेगा गन लेके, लेकिन मेरा एमिंग परफेक्ट था इसलिए उसको मैं इजी मार दिया। इस बंदे को फिनिश करते गए तो और एक बंदे का फुटप्रिंट मेरे को आ रहा था, दैट्स वाई मैं कवर पे आ गया, क्योंकि क्लोज में शायद मैं गिर जाता। इधर रह के पहले उसको एकेएम से गोली मारा, डैमेज दिया थोड़ा सा, देन एस्कारेल से फिनिश किया, क्योंकि बंदा बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था और कवर के पीछे था, दैट्स वाई मेरा इतना गोली वेस्ट हो गया। जो भी हो, पूरा ही एंशिएंट टेंपल क्लियर हो चुका था। देन मेरे को दूसरा वाला एंशिएंट टेंपल पे पुश इन करना था, और मैं जल्दी जल्दी निकल गया इधर से, दैट्स वाई थोड़ा लूट पूट करके जितना चाहिए था, क्योंकि मेरे पे थोड़ा एमओ भी नहीं था, और ना ही था 7 का एमओ, ना ही था 5 का एमओ, और ना ही था ग्रेनेड, ना ही था अच्छा वाला वेस्ट। दैट्स वाई मेरे को इधर से जल्दी जल्दी लूट के जाना पड़ेगा। और मैक्सिमम टाइम पे इस घर के पास में गाड़ी मिल जाता है, तो मैं इधर से गाड़ी लेके जल्दी जल्दी स्पीड मोशन में हैक करके मैं दूसरा एंशिएंट टेंपल पे जाने लगा। लेकिन सैडली मेरे आते आते ये वाला चीज़ ऊपर उड़ने लगा, एंड मेरे को फिर क्या यू टर्न मारना था, और मैं यू टर्न मार लिया, क्योंकि ऊपर से बंदा मेरे को मार सकता था। और सोलो में कभी नहीं रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि आपके पास कोई नहीं रहेगा रिवाइव देने के लिए, चाहे वो सोलो वर्सेस स्क्वाड हो, सोलो वर्सेस सोलो एंड सोलो वर्सेस डुओ ही क्यों ना हो। और पोचिंग का लास्ट मेंबर क्लियर हो चुका था मेरे हाथों से, क्योंकि वो बंदा सबको मारा था, खुद अकेला बचा हुआ था, मैंने उसको मार दिया। अब मैं ब्रिज के साइड आ गया था, एंड इधर से मैं यू टर्न मार के फिर पीछे जाऊंगा, एंड इधर से जो फाइट निकल के आता है ना, सिर्फ देखते रहो आप लोग कि कैसे मैं 1v2 करता हूँ, थर्ड पार्टी निकलता हूँ, कैसे मैं देखते रहो, ऐसा होना चाहिए थर्ड पार्टी। अब इस बंदे को क्या पता था कि इसके पीछे मैं हूँ स्प्रे देने के लिए, और मेरा स्प्रे तो जानते हो आप लोग कैसा होता है, स्प्रे अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ठोको, एंड उसके बाद इसको मारने के बाद मैं गाड़ी लेके थोड़ा सा सामने की तरफ गया, क्योंकि मेरे को पोजीशन चाहिए था, क्योंकि दूसरा बंदा मेरे को दिख नहीं रहा था। अब उसके बाद दूसरा स्प्रे देखना कि स्प्रे से मैं इस वाला किल भी कैसे निकलता हूँ, एंड इस मैच में आपको बहुत ही ज़्यादा ओपी वाला नेट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नेट प्रैक्टिस कर चुका था 2-3 हफ्तों से, एंड नेट का मेरा परफेक्शन आ गया फिलहाल। एंड आप लोगों का मोटिवेशन अगर मिलता चैनल में, थोड़ा सा सब्सक्राइबर इंक्रीज होता तो और भी मोटिवेट होता मैं। तो जो भी हो, मैं वीडियो चाहता जाऊँगा, अगर लाइक करना है तो करना, वीडियो अच्छा लगे तो करना। और जब मैं इस घर से आ रहा था, दिन मेरे को इस घर से भी फुटप्रिंट आने लगा, एंड मैं पहले सोचा कि इधर से मैं मारूंगा टीपी भी लेके, लेकिन मेरे को पोजीशन नहीं पता था, दैट्स वाई मैं गाड़ी लेके सामने की तरफ गया, क्योंकि उधर से मेरे को पूरा घर का पोजीशन आ रहा था, और मैं ब्रोकन वॉल के पीछे कवर ले ली जाके। अब मेरे को पता था बंदे का लोकेशन कहाँ पे, क्योंकि वो बालकनी के राइट साइड पे लेटा हुआ था, एंड मैं उधर ही नेट किया, एंड बूम, किल भी मेरे ही खातों में आया। तो मैं इधर से निकलने का सोचा, क्योंकि सब कुछ हो गया था, तो मैं जब इधर आया, इधर ड्रॉप गिरा था, ड्रॉप पे सोलो पे बंदा आएगा ही आएगा,
मैं उस घर के उधर नहीं गया क्योंकि उधर बहुत ही ज़्यादा चीज़ बुशेस था। दैट्स वाई मैं कवर पे आया एंड सोलो पे सबसे पहले मेरे ही सेफ्टी के बारे में मेरे को सोचना है। एंड मैं इधर आके लोकेशन देख रहा था एंड उधर फायरिंग भी चल रहा था, मैप पे देख सकते हो। एंड मेरे को एक बंदा दिखा, मैं स्प्रे देने की कोशिश किया लेकिन वो कवर पे चला गया था एंड मेरे को दिख भी नहीं रहा था। उसके बाद मैं इस साइड से फ्लैंक करने का डिसीजन लिया एंड फ्लैंक पिक कर दिया। उसके बाद बंदा मेरे को दौड़ते हुआ देखा, अब देख सकते हो लेफ्ट साइड पे, देखो आप लेफ्ट साइड पे मेरे को दौड़ते हुए देखा था। एंड फिर उसके साथ 3x का स्प्रे एंड बंदा फिनिश। अब इधर का पूरा सिचुएशन कंप्लीट हो चुका था एंड मेरे को फिर पुशिंग करना था एंड 15 बंदे बचे हुआ था एंड मेरे को किल भी उठाना था। अब एक सिनारियो देखो, बंदा कहाँ पे कैम करके छुपा हुआ है एंड ये तो कह रहा है मेरे को कौन ढूंढेगा, सबको पेलूंगा मैं। एंड मेरे सामने नीचे गाड़ी के नीचे कोई आ गया था जो लेटा था, मेरे को पता ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली किल हो गया। एंड सबसे पहले मेरे इस सामने के घर पे भी एक बंदा है और मेरे ऊपर वाला छत पे भी एक बंदा है और नीचे मैं हूँ। अब मेरे को डिसीजन लेना था क्या कर सकता हूँ मैं। अगर मैं ऊपर जाने का डिसीजन लेता सामने से तो मेरे को मेरे सामने जो स्क्वाड हाउस है उससे पड़ता, अगर पीछे से जाता तो मेरे उठते उठते छत के ऊपर वो बंदा मेरे को मार देता। तो मैंने पहले सोचा गाड़ी लेके सामने वाला बंदे को फिनिश करते, उसके बाद इस वाला बंदे को फिनिश करूँगा। एंड अपना IQ लगाया, नीचे कूदा, मैं दौड़ के नीचे सकता क्योंकि ऊपर से मेरे को मार देता। दैट्स व्हाई मेरे को गाड़ी लेके कवर में जाना था एंड मैं वही कम किया। एंड इस वाले घर के एकदम ऊपर बंदा है और मैं जब इस घर पे आया मतलब अंदर घुसा, मेरे पास गोजा था। पहले सामने देखो गाड़ी फाड़ी लेटा के रखा है बंदा ने। फिर मैंने सोचा मैं इधर ही होल्ड कर लेता और देख लूँ पीछे बंदा तो नहीं है। अब मैं सब जगह चेक कर लिया था एंड देन देखो क्या होता है। और मेरे सामने वाला जो घर है फिलहाल जहाँ पे मैं पहले गया था उस घर के बंदे के पास ओम था और वो ओम से इस वाला प्लेयर को मार दिया था। एंड मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था ऊपर जाने के लिए। एंड मैं आओ देखा ना ताओ सीधा चला गया ऊपर। एंड उसके बाद देखो इस वाला बंदे को मैं कैसे मारता हूँ विथ माई नेट, क्योंकि प्रैक्टिस किया है भाई, प्रैक्टिस करके तो अचीवमेंट मिलता है। एंड बंदा विथ बूम किल मेरे खातों में। ऐसे तो मैं स्नाइपिंग लाइक नहीं करता लेकिन इस बंदे को मैंने डैमेज दिया, हेड पे डैमेज दिया लेकिन वो जोन पे मर गया, मतलब किल भी नहीं मेरा बंदा जोन पे मर गया। इसलिए मैं स्नाइपिंग यूज़ करना छोड़ दूंगा। स्नाइपिंग इज़ ओपी बट मैं एसोल्टर था, एसोल्टर ही रहूँगा। आई लव एसोल्टिंग एंड विद M4 एंड 6x स्प्रे। एंड अब देखो मेरे साथ क्या होता है, मैं चिकन डिनर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा जानने के लिए 10 सेकेंड टाइम है आप लोगों के पास। एंड 10 सेकेंड भी नहीं, 2 सेकेंड में खेल खत्म, पैसा आ जा, मैं मर गया।